स्वागत है आपका लड़का का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल की ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है। आई होप आप सभी ने आंसर की देख लिया होगा, आपने क्वेश्चन को मैच कर लिया होगा कि आपके रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि 2022 में आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है आफ्टर आंसर की रिलीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डिपेंड करते हैं आपके तीन फैक्टर। ठीक है, चलिए हम इसके यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीनों फैक्टर, ये आपका फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड यहाँ पे आपका शिफ्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे रॉ मार्क्स। ठीक है, ये आपके तीनों फैक्टर आपके डिपेंड्स करते हैं आपकी कट ऑफ को लेकर के। तो यहाँ पे दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका देखिए, आपका जो शिफ्ट था 28, 29, 30 आपके तीन दिनों में आपके एग्जाम हुए हैं। टोटल आपकी 5 शिफ्ट थी, आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, आप सभी को बताया कि मैंने जब इसका एग्जाम कंप्लीट हुआ था, मैंने एक सर्वे भी कराया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। तो मैंने कहा था कैंडिडेट कमेंट्स कीजिएगा, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने कमेंट्स किए थे कि उनके कितने, उनके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए थे। अब दोस्तों क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट किया था, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की जब रिलीज हुई, तो क्वेश्चन तो सिंपली बात है आपके क्वेश्चन तो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके राइट हुए होंगे, कुछ आप कुछ रॉन्ग हो गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे हम आंसर की आने के बाद देखते हैं कट ऑफ आपका क्या रहने वाला। देखिए, आपका नॉर्मलाइजेशन जहाँ था दोस्तों, बात है जो आपका एग्जाम हुआ है 28, 29, 30 में। ठीक है, ये आपका तीन दिनों में आपका एग्जाम हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों रही बात आपकी से कि इजी कौन सी आपकी इजी थी, कौन सी आपकी हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है कैंडिडेट कमेंट्स कर रहे थे शिफ्ट को लेकर के कि कितना शिफ्ट कौन से हार्ड थे। देखिए, जहाँ तक दोस्तों बात है कि हार्ड शिफ्ट की, जैसे आपकी जो शिफ्ट थी 28 तारीख की, ठीक है, 28 तारीख की अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट एंड सेकेंड की, कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट कहते हैं सेकेंड का शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी 28 की, कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि फर्स्ट की शिफ्ट जो है वो हार्ड थी, और कुछ कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि 29 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है 29 की सेकंड शिफ्ट भी हार्ड आई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें 2021 में जो आपके एग्ज़ाम कराए गए थे उससे कंपेयर करें 2022 का, तो उससे यहाँ पर थोड़ा सा लेवल डाउन था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्ट दोस्तों यहाँ पर आपकी मॉडरेट लेवल की थी। यहाँ पर बहुत टफ हम नहीं कह सकते, ये आपके मॉडरेट लेवल थी। लेकिन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में जो फ़ायदा होगा दोस्तों, जो 28 तारीख वाले कैंडिडेट हैं, इनका 28 तारीख को एग्ज़ाम, देखिए जो फर्स्ट डे एग्ज़ाम होता, सपोज दैट कोई एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है जिसको कंटिन्यू चलना है 4 से 5 दिनों के अंदर, जो स्टार्टिंग पेपर होता है दोस्तों, वो कैंडिडेट ने क्वेश्चन का लेवल नहीं देखा, पेपर का लेवल नहीं देखा, तो उसके लिए वहाँ पे वो पेपर थोड़ा सा टफ होता है, वहाँ पे हार्ड हो जाते हैं। तो बहुत हार्ड तो नहीं थे, लेकिन ये इनको जो 28 वाले कैंडिडेट हैं इनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा रिस्पेक्ट टू जो 29-30 वाले हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इनको ज़्यादा मिलेगा, जो 28 वाले कैंडिडेट हैं आपके सेकेंड या फर्स्ट शिफ्ट वाले। ठीक है, इनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, कितने नंबर का मिलेगा आपको मैं वो भी डिस्कस करूँगा। और रही बात दोस्तों आपकी जो शिफ्ट अदर शिफ्ट है आपकी 29 का आपकी सेकेंड हो गई, या आपके 30 का जो आपका एक शिफ्ट हुई है सेकेंड में, वो थोड़ी से आपकी ठीक ठाक शिफ्ट थी, बाकी जो शिफ्टें थी वो बाकी आपकी मॉडरेट हम कह सकते, तो 5 शिफ्टें आपकी मॉडरेट लेवल थी, बहुत ही हार्ड शिफ्ट कोई नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन अब जैसे क्या है कि इसमें नया जो आपके चैप्टर आपका पूछा गया है आपका से मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए गए हैं, तो ये चीज़ नया हो गया। बाकी PLC स्काडा पिछली बार 2021 में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी PLC स्काडा से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, लेकिन पिछली बार से कम इस बार क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये चीज़ें है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की बात, तो देखिए यहाँ पर लगभग आपका 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर का। अब अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका जो शिफ्ट है, मैंने आपको बता दिया कौन शिफ्ट हार्ड थी, कौन शिफ्ट ईजी थी, सभी कैंडिडेट का अलग अलग कहना है कि ये शिफ्ट हार्ड थी, बहुत से ज़्यादा चांस है 28 वाली कुछ थोड़ा सा हार्ड थी, बहुत हार्ड नहीं थी लेकिन हार्ड थी थोड़ा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट या इजी शिफ्ट या किस में नॉर्मलाइजेशन कितना ज़्यादा करेगा, वो डिपेंड करता है UPPCL पे। ठीक है, वो UPPCL पे डिपेंड करता है, वो जो चाहेगा वही होगा, वो पेपर का लेवल वही सेट किया है, वही सब कुछ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो कट ऑफ होगा वो तैयार करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर मालूम पड़ेगा कौन सा ईजी था, कौन सा हार्ड था, कौन सा आपका मॉडरेट था, वो आपका डिपेंड करता है UPPCL में। ठीक है, वो आपको करेगा। अब रही बात दोस्तों रॉ मार्क्स की, यहाँ पर हम इसकी बात कर लेंगे, और चलिए सबसे पहले आपको मैं कट ऑफ को दिखा देता हूँ। अब ये दोस्तों है UPPCL जेई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की, यहाँ पे आपकी ये अंडर OBC EWS SC ST की, इसमें दोस्तों आपको प्लस माइनस 5 का यहाँ पे डिफरेंस होगा,
यहाँ पे हम सबको डिस्कस कर लेते थे। यहाँ पे अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी है इनकी कट ऑफ जो है वो 150 तो यानी कि 150 से आपका लेकर के ठीक है 150 आपका प्लस माइनस में यहाँ पे जा सकता है प्लस माइनस 5 ठीक है 150 में प्लस माइनस 5 भी आपको कट ऑफ रह सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि 145 से लेकर के 155 के बीच ये कट ऑफ रह सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों है ये कि 145 से 155 के बीच ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है इस बार। फिर अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में दोस्तों आपका अगर बात कर लेते हैं प्लस माइनस 5 का ये आपका यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो ये आपका कट ऑफ जो दोस्तों रह सकता है 140 से लेकर के ठीक है 140 से लेकर के 150 के बीच ये आपका ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, अगर हम बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी वही दोस्तों सेम है 135 से लेकर के 145 के बीच ये आपका कट ऑफ रह सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। और वहीं अगर दोस्तों हम एससी की बात कर ले तो एससी का भी कट ऑफ है आपका प्लस माइनस 5 का, यहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन हो सकता है कि आपका 125 से ठीक है 125 से लेकर के 135 के बीच ये आपका कट ऑफ रह सकता है एससी कैटेगरी पे। वहीं फिर एसटी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एसटी का कट ऑफ दोस्तों जो है वो आपका 110 से लेकर के 120 के बीच भी कट ऑफ ये रह सकता है। तो अब ये दोस्तों बात हो गई आपके कट ऑफ के बारे में, ये आपका कट ऑफ रह सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आपका कोई कट ऑफ ये बता रहा हूँ ठीक है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ होगी। अब जैसे कि दोस्तों जो मैंने कट ऑफ बताया कि 5 नंबर का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हो जाए, अब अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे रॉ मार्क्स अगर बात कर लेते हैं कि रॉ मार्क्स आपका क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे जो 28 वाले कैंडिडेट हैं अगर इनका बात करें इनका रॉ मार्क्स के लिए, तो इनका रॉ मार्क्स अगर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आपका 135 से 140 के बीच ठीक है 135 से लेकर के 140 के बीच अगर आपका यहाँ आ रहा है रॉ मार्क, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं ठीक है। ये आपका मैं रिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ। फिर वहीं अगर दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे ओबीसी का देख सकते हैं, ओबीसी का भी यहाँ पे इसी तरह से हो सकता है 130 से 135 के बीच में ठीक है, ये ओबीसी की बातें हो गई है। उसी तरह से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी हो सकता है एक दो नंबर का इधर उधर। तो ये दोस्तों रॉ मार्क की बातें हो गई, अगर इसी अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं ठीक है। अब डिपेंड करता है कि यूपीपीसीएल के ऊपर वो कट ऑफ को लेकर के कैसे करता है, कैसे वो नॉमिनेशन करता है ठीक है, वो डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहना चाहिए और आपका शिफ्ट कौन सा था, क्या आपका कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए थे, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं कितने रॉन्ग हो रहे हैं, वो बातें आपकी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन कैंडिडेट ने आंसर की नहीं देखा वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे लिंक है, मैं उनको आंसर की डाउनलोड करके पीडीएफ शेयर कर दूँगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।